हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माय किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर कुलचा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कप आटा ले रही हूँ और उतना जितना आटा ली थी उतना ही मैं यहाँ पर मैदा भी ले रही हूँ, आधा आधा। आप चाहें तो सिर्फ मैदा से बना सकते हैं क्योंकि मैदा से कुलचा का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, मैं यहाँ पर एक चम्मच नमक ली हूँ और एक चम्मच चीनी। इसमें मैं डालूंगी दो बड़ा चम्मच रिफाइंड और एक पैकेट फ्रूट साल्ट। आप कोई सा भी इनो ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसमें दही डाल करके इसे गूंथ लेंगे। मैं यहाँ पर एक कप दही भी ली हूँ अच्छी तरह से, और ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें पानी भी डालेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ। इसे हल्का हल्का पानी डाल करके और जिस तरह से आटा का डो बनाते हैं उसी तरह से इसे बना लेंगे। यहाँ पर मुझे पानी लगा हुआ है 4 से 5 चम्मच। आटा को इस तरह से गूंथ करके इसमें तेल लगा लूँगी और इसे 1 घंटा के लिए रेस्ट करने दूँगी। 1 घंटा के लिए इसे ढक करके रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट करने के लिए रखी हूँ तब तक मैं यहाँ पे छोला की तैयारी कर ले रही हूँ। ये चना है, इसे दिन भर के लिए मैं भिगो ली हूँ। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 3 आलू है मीडियम साइज़ का, और लौंग और दालचीनी, नमक स्वाद अनुसार, और इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास करीब पानी। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके और इसे गैस पर चढ़ाएंगे। फ्रेंड, आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे इसी तरह से पसंद है। और इसमें 4 से 5 सीटी लगाएंगे। चना में 4 से 5 सीटी लगने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से इसमें एक बर्तन में निकाल दे रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया अच्छी तरह से पक चुका है, इजीली मैश हो जा रहा है ये। तो इसे एक बर्तन में निकाल दे रही हूँ। इसी कुकर को पानी से धो ली हूँ और फिर इसी में मैं छोला बनाऊँगी अब। तो जब कुकर गर्म हो जाएगा तो इसमें तेल डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी जीरा। लाल मिर्च, तेजपत्ता, कुछ देर के लिए प्याज को भूनेंगे, उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज हल्का गोल्डन हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। अदरक लहसुन का कच्चापन है वो भी अच्छी तरह से भून चुका है, उसका अब कच्चापन नहीं, उसका अच्छी खुशबू आ रही है। नमक डालेंगे, नमक बस मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ क्योंकि जब चना बॉयल कर रही थी उस समय भी नमक डाली थी। हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच से कम। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं। इन मसालों को भूनूंगी
और मसाले में हल्का सा पानी डालूंगी ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। एक से दो चम्मच पानी डालेंगे और मसाले की अच्छी खुशबू आए जब तक इसकी भुनाई है तब तक इसे भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को डाल करके एक से दो मिनट और चला लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ बॉयल किया हुआ चना। और यहाँ जो बॉयल किया हुआ आलू है इसे मैश कर लूँगी। मैश किया हुआ आलू भी इसी चना में डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे बंद कर लेंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जब कुकर में बनाती हूँ और इसे एक सिटी मसाला के साथ लगा लेती हूँ तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। देखिए इतना पानी मैं डाली हूँ। अब इसे गैस ढक्कन लगा करके और दो सीटी लगाऊंगी। जब तक छोला में लग रहा है सीटी तब तक मैं यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर ले रही हूँ कुलचा का। तो यहाँ पर पनीर कद्दूकस कर ली हूँ मैं। इसमें डालूंगी प्याज, हरा धनिया का पत्ता, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे वाइट नमक मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं। इसे फॉक की सहायता से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुका है और स्टफिंग तैयार हो गया। कुलचा का आटा जो मैं तैयार की थी वह एक घंटा हो चुका है और काफ़ी हल्का, और ये देखिए फूल करके डबल हो चुका है। इसे मैं यहाँ स्लैब पर रख रही हूँ और इसे ऐसे हाथ कर करके और इसको मसलना है, या यूँ कहिए कि इसकी पिटाई करनी है। आप इसकी जितनी अच्छी पिटाई करेंगे कुलचा उतना ही बढ़िया बनेगा। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ और इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से मलेंगे। ये देखिए कितना चिकना आटा बनकर तैयार हो चुका है। इसे 5 से 7 मिनट मुझे लगा है काफ़ी तेज से करते हुए। अब इसका छोटा छोटा पेड़ा जैसा इस तरह से बना लूँगी। आपको जितना मोटा पतला चाहिए आप अपने साइज के अकॉर्डिंग उतना बड़ा कर सकते हैं। अरे इस तरह से हाथ में पहले घी लगा लेंगे और इस तरह से एक पेड़े उठाएंगे। फ्रेंड, इसमें कभी भी सूखा हुआ आटा के साथ नहीं करेंगे, घी की मदद से ही इसे बनाएंगे और फिर इसमें स्टफिंग कर देंगे। अब जितना स्टफिंग चाहते हैं, मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाली हूँ अंदाज से, और इस तरह से इसका मुंह बंद कर लेंगे और इसके बाद यहाँ रखते जाएंगे। सभी स्टफिंग को पहले मैं कर ले रही हूँ, इसको भर ले रही हूँ, इसके बाद बनाऊंगी। सभी आटा में स्टफिंग कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे कुकर खोल रही हूँ और दिखा रही हूँ कितना बढ़िया बना हुआ है छोला। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया इसका कलर आया है और कितना बढ़िया छोला बनकर तैयार हो गया है। इसे कलछुल के सहायता से इस तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ लग रहा है कहीं बारात आया है तो पटाखे को फूट रहा है।
ये देखिए कितना बढ़िया छोला बनकर तैयार हो गया है। यहाँ बेलन में घी लगा लेंगे ताकि आटा चिपके नहीं। इस तरह से बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और नहीं ज़्यादा मोटा करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं नहीं तो ज़्यादा मोटा की हूँ, नहीं ज़्यादा पतला है। इस पर चिपकाऊंगी मंगरेल, इसे कलौंजी भी बोला जाता है, और धनिया का पत्ता। और फिर एक से दो बार चला लेंगे ताकि जो यहाँ पे डाली हूँ मंगरेल और धनिया का पत्ता वो अच्छी तरह से चिपक जाए। मैं यहाँ पे कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसमें डालूंगी पानी के छींटे। इसके बाद रोटी को डाल करके और फिर चारों तरफ से पानी डाल के ऐसे ढक्कन से ढक देंगे। पानी इसलिए बाद में डाली हूँ ताकि जो भाप बने, भाप से सॉफ्ट बने कुलचा। ये देखिए फ्रेंड कितना बबल्स बन रहा है चारों तरफ, ऊपर ऊपर कितना बढ़िया सा सिक गया है और बबल्स बन रहा है। इसे आप पलट देंगे और दूसरे तरफ भी सीखेंगे। इसमें लगाऊंगी घी और घी लगा करके कुलचा बनाऊंगी। आप चाहें तो इसमें बटर, रिफाइंड कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए घी जाते हैं, कितना बढ़िया फूल रहा है, एकदम गुब्बारा की तरह फूल गया है कुलचा। लाल लाल खूब बढ़िया ही निकल रहा है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कुलचा बना है, इसी तरह से सभी कुलचे को बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया छोला और कुलचा बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कुलचा है ये देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।